85वीं सदी से लेकर 109वीं सदी तक लागत मूल्य से ज्यादा कीमत सरकार ने दी है मुनाफा ऐड करके, तो ये किसान की आय दुगने करने के लक्ष्य में एक बहुत बड़ी सहायक भूमिका करेगी। हर साल फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान और इससे किसानों की आय बढ़ाने का दावा किया जाता है, लेकिन किसानों के लिए MSP पाना दूर की कौड़ी बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल अनाज की कीमतों में उछाल बना हुआ है, लेकिन मक्के और उड़द को छोड़कर बाकी फसलों की कीमतें MSP से नीचे ही चल रही हैं। साल भर पहले 1400 रुपए में बिकने वाले बाजरे की मौजूदा कीमत 1750 रुपए पहुंच गई है, लेकिन ये 2000 रुपए प्रति क्विंटल की MSP से कम ही है। इसी तरह सोयाबीन 3000 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 3500 रुपए में बिक रही है, जबकि MSP पर इसकी कीमत 3710 रुपए प्रति क्विंटल है। मूंग, मूंगफली और सूरजमुखी जैसी फसलों का भी यही हाल है, हालांकि कपास की कीमतें बीते साल से कम चल रही हैं। किसानों को MSP ना मिलने की वजह धान और गेहूं को छोड़कर बाकी फसलों की सरकारी खरीद का बेहद सीमित होना है। एक आकलन के मुताबिक दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों में MSP पर महज 10% उपज की ही खरीद हो पाती है। 90% किसानों को अपना माल खुले बाजारों में बेचना पड़ता है। सरकार ये 10% माल जो खरीदती है उसे MSP से नीचे बेच रही है लगातार, जिससे किसानों को, कारोबारियों के साथ साथ सरकार को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा लगता है कि MSP बढ़ाना एक औपचारिकता या पॉलिटिकल स्टंट बन के रह गया है। इसका एक मतलब ये भी है कि इन किसानों के लिए MSP बढ़ने और घटने के कोई मायने ही नहीं है। ऐसे में MSP से किसानों की आय दोगुना कैसे हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।